सो है गाइज, आज हम लेंगे ब्लाउज में फिटिंग। इसके लिए हमें ब्लाउज को ले लेना है जिसमें हमें फिटिंग लेनी है। जैसे कि हम इसमें पुराने वाले ब्लाउज में दे रहे हैं, आप चाहें तो नए में भी दे सकते हैं। ये मुझे टाइट हो गया है इसलिए इसको हम फिटिंग देंगे। ढीला हो जाता है तो मशीन फेर लेते हैं, पर फिटिंग डालने के लिए हमें बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है। जिस ब्लाउज में आपको फिटिंग देना है उसको उल्टा रख लेना है, और जिससे आपको फिटिंग जो आपको अच्छा जो बनता है, जिससे आपकी फिटिंग आपको अच्छी आती है, उस ब्लाउज को ले लेना है और उसको सीधा रख कर इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देना है। और इसके बाद हम इसमें मार्क कर लेंगे जितना हमें चाहिए उतना, और मार्क करने के बाद इसको दोनों अच्छे से जमाएंगे जिससे हमारी फिटनेस सिंग बिल्कुल एकदम ठीक से आए, एकदम प्लेन आए, मतलब कि बिगड़े बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब आती है आस्तीन की बारी, तो हम आस्तीन को डायरेक्टली नहीं देंगे, दोनों साइड इस तरह से देंगे पहले फिटिंग चेस्ट और कमर में, इसके बाद हम आस्तीन में देंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें टक टिक कर लिए। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बता सकते हो कि आपको कैसी वीडियो चाहिए तो मैं वैसी वीडियो बना दूंगी। तो आपको जैसे आपने चेस्ट और कमर में दी थी उसको हटा के रख लेना है, और बस आस्तीन को अलग से इस तरह से प्रेस करना है, और इस तरह से आपको इसको भी मार्क कर देना है। और मार्क करने के बाद आपको इससे सीधी जैसे आपने मार्क किया वैसे मशीन लगा लेनी है, और फिर आप देखेंगे कि आपका ब्लाउज एकदम रेडी हो, एकदम अच्छा हो जाएगा। इसमें इंच टेप वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपको टाइट था वो वाली सिलाई को आपको निकाल लेना है। और देखिए आपका ब्लाउज एकदम रेडी हो गया है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर। तो बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।